तो गाइस यहाँ पर जो ऑल अबाउट जो मॉडिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी, काफी सारी मॉडिफिकेशन की लास्ट आपने वीडियो हम इसमें देख सकते हो। बैक चार्ट का पूरा के पूरा ऐसा व्यू आ रहा है, ये पूरे के पूरा है। अब मैं इसका स्विच कर रहा हूँ फ्रंट का कैमरा, और आप फ्रंट का कैमरा भी देख सकते हो, एंगल को सेट कर सकते हो, और ये जो यूनिट है इसको आप निकाल के अपने साथ भी ले जा सकते हो। और को इसमें विंग्स वाली लाइट का जो है मेजरमेंट ले रहे हैं, और इसका पासपोर्ट हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है जी, गलत बता दिया हमने कि ये इसका पासपोर्ट आ गया। ये पूरे के पूरा इस तरीके से कैमरा सेटअप है। कैमरे के ऊपर से जो लेंस है ठंडी ठंडी स्टिंग, इंस्टाग्राम पे तो बहुत देखी होगी, चलो आज हमारी स्कीडी बाइबल पे भी देख लो, लगाकर स्टिंग डाल रहे हैं। अपने पास ऑयल भी होता है। अगेन आ चुकी है अपने पास रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। नेविगेशन सिस्टम, डिस्प्ले वाला मल्टी फंक्शन विद कैमरा सेटअप, कैमरा कुछ इस तरीके का आता है। और ये जो कैमरे हैं प्रॉपर वर्किंग के साथ होते हैं, फ्रंट इस तरीके की यूनिट मिलती है, इसको निकाल भी सकते हो। इसके अलावा जो नॉर्मली आप अपनी कार प्ले में करते हो, जो कार में लगा होता है डिस्प्ले, जिसमें कॉल अटेंड हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, GPS हो गया, कर सकते हो। डिस्प्ले कुछ इस तरीके की आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर मैं, इस तरीके से यहाँ पर आ चुकी है। और जो उसका बैक साइड से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कैमरा जो बैक साइड में लगा रहे हैं वो एक यहाँ पर लगाएंगे, तो मेरे हाथ में है विंग्स वाली लाइट, यानी कि पर वाली लाइट। इसकी कौन सा कलर पसंद करा भाई ने? व्हाइट। और 350 पर वैसे रखा है, ब्रांड न्यू बाइक है, कल ही आई हुई है, रोड करेंगे। और ये पहुंच जाते गलती से गलत दुकान पर, गलत वाली दुकान पे चले गए, और इस तरीके की काफी सारी डुप्लीकेट शॉप और भी है। SKD बाइक वर्ल्ड पर ही आना है, क्योंकि वही रियल शॉप है एक्चुअली में। ये अपनी शॉप का बोर्ड इंडिया मोटर के साथ में, श्रीराम मोटर के साथ में भी देख सकते हो। बीच में हमारी शॉप है, ये रहा चौक इस तरीके से, ये हरदयान सिंह रोड है, और यहाँ चौक पे कचौड़ी वाले बहुत फेमस है। आपका SKD बाइक वर्ल्ड आ गया है, ये है गाइस मैट ग्रीन कलर, चेक करो का थोड़ा सा मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये चेक करो, उसका क्रैश गार्ड आ गया, जिससे आपका इंजन सेफ, लैग सेफ, तो पूरी जो है सेफ्टी वाला है। ये बैकरेस्ट आ गया रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ, ये हैवी वाले फुटरेस्ट लग रहे हैं इसमें। ये रहा अपना शॉप कुछ इस तरीके का, ये वगैरह अंदर ना जाए इसके लिए यहाँ पर शॉकर बूट है, ये है रिंग, ये माइनस प्लस रिंग, ये आ गया रॉयल एनफील्ड वाले मेरा, रॉयल एनफील्ड से तो 10 गुना सस्ते। ये आ गए हार्नेस, वो भी रिमोट कंट्रोल वाली, इसे मर्सिडीज वाली भी कहते हैं। फोकस मिलेगा आपको येलो का एंड वाइट, इससे आप इसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हो। तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैटरी पे, ना ही बैटरी फूकती है, और ना ही किसी तरीके का इशू आता है, ना गारंटी वारंटी कोलैप्स नहीं होती। ये आ गया वाइजर, जैसे आपके फोन का टेम्पर आता है वैसे ही मीटर का टेम्पर आ गया, मैंने आपको दिखाई दे तो ये फुटरेस्ट इस तरीके के आ गए। ब्लैक मास्टर सिलेंडर कैप भी मिल जाएगी हमारे पास, तो मैं ब्लिंकर की तरह यूज करेंगे इसको, अगले वाली हैंड ग्रिप बहुत ही कंफर्टेबल है, तो इसमें आपको पाम रेस्ट मिल जाता है। इसी आएगा इस क्रोम में, ये क्रोम में चेक करो, ये लाइट वाली है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। बैकरेस्ट एक्सटेंडर, जिन लोगों को बैकरेस्ट आगे पीछे करना है, इंटरलॉक सेफ्टी फीचर, और लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, पार्किंग में बाइक लगा रखी है तो पता कर सकते हो। और ये ब्लैक कलर के हैं, इसमें 22 पैटर्न मिलते हैं, पर एक साल से अंदर कभी भी खराब होता तो आप नया ले जा सकते हो। गियर शॉक्स आ गए हैं सिमटेक के बल्ब, जिसमें आपको मिलती है 3 साल की जो है गारंटी रहती है। सो गाइस, वैसे तो आप लोग काफ़ी सारी वीडियो देखते रहते हो मेरी, रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 पर, रिबन पर, बुलेट पर, स्कूटी पर, नॉर्मल बाइक से लेके सुपर बाइक पर। तो यहाँ पर अगेन आ चुकी है अपने पास रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। अगेन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका लास्ट टाइम काफ़ी सारा काम हुआ था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कम्प्लीटली। और अभी जो इसमें चीज़ें और ऐड कर रहे हैं वो इसमें कर रहे हैं कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। नेविगेशन सिस्टम, डिस्प्ले वाला मल्टी फंक्शन विद कैमरा सेटअप, ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलेगा आपको, जिसमें एक कैमरे की इंस्टॉलेशन चल रही है और एक कैमरा कुछ इस तरीके का आता है। और ये जो कैमरे हैं प्रॉपर वर्किंग के साथ होते हैं, फ्रंट में भी एंड रियर में भी, यानी कि बैक साइड फ्रंट साइड कुछ इस तरीके की यूनिट मिलती है, इसको निकाल भी सकते हो और इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, एज अ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप। इसके अलावा जो नॉर्मली आप अपनी कार प्ले में करते हो, जो कार में लगा होता है डिस्प्ले, जिसमें कॉल अटेंड हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, GPS हो गया, मैसेजेस वगैरह हो गया, एंड कॉल अटेंड से लेके सारी चीज़ें जो आपके फ़ोन में करते हो वो सब चीज़ें इसमें कर सकते हो। डिस्प्ले कुछ इस तरीके की आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर मैं, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन और है। तो सबसे पहले आप चेक करो इसमें डिस्प्ले, तो ये यहाँ पर है, और ये यहाँ से लूज़ करके आप इसको निकाल सकते हो, जब आपको जाना हो तभी लगा सकते हो। इसकी जो वायरिंग वगैरह इस तरीके से यहाँ पर आ चुकी हैं, और जो उसका बैक साइड से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एडजस्टमेंट आप चॉइस यहाँ पर ले लो बीच वाले एंगल पे, या यहाँ पर ले लो, या जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ पर ले सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से, इसके अलावा इसमें जो है कैमरा जो बैक साइड में लगा रहे हैं वो एक यहाँ पर लगाएंगे, ये देख सकते हो यहाँ पर आ गया है। और जस्ट प्लग एंड प्ले, कोई वायरिंग में छिड़खानी नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात ये फुल्ली वाटरप्रूफ, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इससे लगाने से बैटरी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर मेरे हाथ में है विंग्स वाली लाइट, यानी कि पर वाली लाइट, जिसमें काफ़ी सारे कलर मिलेंगे, जिसमें आप लोग जो चाहो वो लगा सकते हो। ये कौन सा कलर पसंद करा भाई ने? वाइट। इन्होंने पसंद कराया वाइट, चलो अब ये लगाएंगे, और इसके बाद सारी एक्सेसरीज भी आपको दिखाएंगे। तो बाइक को लेकर आ चुके हैं अंदर मीटियोर को, और इसमें विंग्स वाली लाइट का जो है मेजरमेंट ले रहे हैं, और वो अंधेरे में ही पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा फोकस कहाँ जा रहा है। इसको आप आगे लगा सकते हो, पीछे लगा सकते हो, या कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें जो कलर हरे, नीले, पीले, गुलाबी, कत्थई, इनमें से एक भी नहीं मिलेगा। मेरे पास जो कलर मिलेंगे रेड, वाइट एंड
ब्लू। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अपने लगा रखी है पूरी डिस्प्ले, जिसका पासपोर्ट हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है जी, गलत बता दिया हमने, यस करना था। ओके, ये इसका पासपोर्ट आ गया। ये पूरे के पूरा इस तरीके से कैमरा सेटअप है, और आई थिंक ये अब ये कैमरे की सेटिंग चल रही है। ये पीछे वाला कैमरा है, अभी नाइट में भी देख लो कुछ इस तरीके का आएगा फोकस इसका। और अभी इस कैमरे के ऊपर से जो लेंस है उसके ऊपर एक टेपिंग सी होती है, तो वो हटाना बाकी है, हटा नहीं रहा हूँ मैं उसको फाइनल पर हटाएंगे, क्योंकि कुछ किसी भी तरीके का कुछ डस्ट पार्टिकल ना लगे। और अभी इसका डिस्प्ले का आप देख लो कुछ इस तरीके से लुक है भाई। इसमें काफ़ी सारे फीचर और आपको मिल जाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अभी विंग्स लाइट का फोकस चल रहा है, सेटअप चल रहा है, सेटअप करके फिर आपको दिखाते हैं। ठंडी ठंडी स्टिंग इंस्टाग्राम पे तो बहुत देखी होगी। चलो आज हमारी एसकेडी वाइब्रेंट पे भी देख लो। ये है इसकी मास्टर सिलेंडर जो आप लोगों ने देखी होगी, वैसे पूरे हाइड्रोलिक रहते हैं, लेकिन हम इसके अंदर ओनली फॉर डिब्बी लगाकर और स्टिंग डाल रहे हैं, अपने पास ऑयल भी होता है। ये ठंडी ठंडी, अभी आप लोगों ने सिंगल साइड लगाना है, डबल साइड लगाना है, दैट्स योर चॉइस। ठीक है जी, बाकी की पी जाओ। तो गाइस यहाँ पर जो ऑल अबाउट जो मॉडिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी, काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की लास्ट आपने वीडियो देखी ली होगी। तो अभी करंट में जो इसमें की है वो मैं आपको दिखाता हूँ, साथ ही में और सारी कवर कर देता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पर जो कैमरे लगे थे वो मैं इसके ऊपर की टेपिंग हटा देता हूँ। फ्रंट का कैमरा यहाँ पर आ गया, बैक साइड के हटा देना एक बार टेपिंग। और गाइस यहाँ पर लग चुकी है डिस्प्ले। डिस्प्ले जो लगाने का लॉजिक है वो ये है, जिन लोगों को सेफ्टी चाहिए, रिकॉर्डिंग करनी है और अपने हेलमेट पर कैमरा नहीं लगाना है, नेविगेशन करनी है, अपना फ़ोन नहीं लगाना है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर आ चुका है नेविगेशन सिस्टम। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं देखने को। अब हम इसमें देख सकते हो बैक चार्ट का पूरा के पूरा इसमें व्यू आ रहा है, ये देखो, और काफ़ी अच्छी क्लियरिटी है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि खाली लुक के लिए, पूरे के पूरा है। अब मैं इसका स्विच कर रहा हूँ फ्रंट का कैमरा, और आप फ्रंट का कैमरा भी देख सकते हो। फ्रंट की कैमरे के लिए मैं यहाँ पर जाना भाई, एक बार आगे जाना भाई, जो भैया बाइक के ऑनर हैं उन्हें मैं आगे कर देता हूँ। ये देखो भाई, बाकी इसके एंगल को सेट कर सकते हो, और ये जो यूनिट है इसको आप निकाल के अपने साथ भी ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने भैया सिर्फ यही रखना है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप लोगों ने हल्का सा लूज करना है। जैसे आपका 360 माउंट होता है, जैसे आपका GoPro माउंट होता है, इसी तरीके से ये माउंट है, ये निकालो, यहाँ से प्लग एंड प्ले फिटिंग है, यहाँ से निकाल के अपने साथ ले जा सकते हो। तो वो डर भी खत्म है कि आप लोगों का कोई चोरी कर ले इस तरीके का। बाकी लगा रहने देना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। इसके अलावा और कौन कौन से फीचर है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो भाई, इसमें इस तरीके का पूरा सेटअप है, ये कारप्ले आ गया, ये पूरा सेटअप है, सेटिंग कर सकते हो इसकी आप। ठीक है जी, और यहाँ पर ये आपका BT आ चुका है, ये ऐप्स आ गए इसके सारे, जिसमें आप लोगों ने जिस तरीके से पूरा कार में देखा होगा ना, तो पूरे का पूरा सेटअप है, तो वो सब आप चीज़ें कर सकते हो। मेन जो था मैंने आपको दिखा दिया है, और इसको ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसको ऑन करते हो तो इसमें आपको H2 का जो है इंट्रो मिलता है, ठीक है जी, जो कि ये दर्शाता है कि ये आपकी स्पेशली बाइक के लिए, पहले कार में आते थे, अब बाइक के लिए भी आ चुके हैं। ठीक है, ये इस तरीके से करते हो। तो ये तो हो गया डिस्प्ले का ऑल अबाउट। अब आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पर ऑयल कंटेनर लगाया, इसके अंदर स्टिंग डाली थी, जो आपको पता है इसके नीचे लाइट भी लगा रखी है, जो काफ़ी अच्छा लगता है, अभी दिन में इतना मज़ा आ रहा है, रात में काफ़ी ज़्यादा यूनिक आता है। इसके अलावा इसमें थार लाइट प्लस माइनस प्लस रिंग वाली है, और यहाँ पर LED बल्ब लगा रखे हैं, वाई वाली फॉग लैंप्स, जिसे मर्सिडीज़ वाली भी कहते हैं। इसका वायरलेस स्विच रहता है हार्नेस वायरिंग के साथ, एक बार दबाते ही येल्लो, ठीक है, वाइट, और जो ऊपर वाला बटन है ये पावर वाला, ये फ्लैशिंग के लिए है। फ्लैशिंग के भी काफ़ी सारे मोड्स होते हैं, दैट्स योर चॉइस, आपने व्हाइट में लेना है या येलो में लेना है, तो वो आप देख लेना। इसी तरीके से ये हो गया, बाकी इसमें फोर्स स्लाइडर एंड क्रैश गार्ड भी लास्ट टाइम लगाया था हमने, तो वो भी मैं आपको दिखाया था, लगे यहाँ तो, और फुटरेस्ट पूरे वाले लगाए थे। तो ये आ गया आप लोगों का क्रैश गार्ड प्रॉपर वाला। इसके अलावा बैक साइड में छोटी सी यहाँ पर डिक्की कह सकते हो या टूल बॉक्स कह सकते हो, तो वो चीज़ भी है। विंग्स लाइट मैं आपको और दिखा देता हूँ, विंग्स लाइट का आई थिंक ये वाला स्विच आ गया, तो इसके अंदर लाइट है, ये वाला स्विच आ गया, इसे कर देते हैं बंद, ये आ गया स्विच, ये देखो जी, हाँ जी। तो गाइस यहाँ पर आ गई विंग्स लाइट मेटियोर में, स्कूटी में आपने देखी, ठीक है, अब आप MT में भी देखी, R15 में भी देखी, अब बुलेट में भी देख लो अपनी, सुपर बाइक में देखनी है तो आ जाओ शॉप पर, सुपर बाइक में भी लगा देंगे। ये देखो, अब इसके एंगल को सेट करने के लिए कोई लॉजिक साइंस नहीं है, सिंपली जब बाइक चलेगी तो हल्का सा ये वाइब्रेशन करेगा, जिसकी वजह से एक रियलिस्टिक फील आएगा जिस तरीके से। ये देखो, अब इसमें कलर जो मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जैसे कि वाइट हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, और कुछ इस तरीके से कलर हैं। बाकी ये अभी एंगल इसका अलग जा रहा है, इसका अलग जा रहा है, ये तो सेट हो ही जाएगा। खैर लो जी, तो ये तो हो गई आप लोगों की रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 की ऑल अबाउट टॉप नॉच मॉडिफिकेशन। और अगर वीडियो देखनी है मॉडिफिकेशन की तो अभी आप देख सकते हो अपने चैनल पर, आ सकते हो अपनी शॉप पर। तो ये है इसका एक
ऑल अबाउट लुक। अब ये तैयार हो चुकी है पूरी राइडिंग के लिए। वेलकम बैक टू एसकेडी बाइक वर्ल्ड। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, आज के सिनेरियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 पर। वैसे तो 350 पर काफी सारी वीडियो बना चुका हूँ मेटियोर पर, लेकिन जब भी कुछ ना कुछ नया आता है मैं सोचता हूँ आप लोगों का शेयर करता हूँ। तो और इस वीडियो में काफी सारी चीजें नई होने वाली है, सारा सामान मैंने निकाल रखा है। ब्रांड न्यू बाइक है, कल ही आई हुई है और भैया हमारे पास आए हुए हैं, इनसे ही बात कराएंगे। फुल लोड कराओगे इस बार इसको? है भैया, कह रहे हैं कि सारे के सारा ही लोड कराएंगे। और ये पहुंच गए थे गलती से गलत दुकान पर, गलत वाली दुकान पे चले गए। और इस तरीके की काफी सारे डुप्लीकेट शॉप और भी हैं। अभी आपने आना है, अगर आप मेरी वीडियो देखकर आ रहे हो तो आपको फिर एसकेडी बाइक वर्ल्ड पर ही आना है, क्योंकि वही मेरी रियल शॉप है एक्चुअली में। वही बात है, सामान आपका सब निकलवा दिया हमने, फिटिंग कराने में भैया से बात करेंगे। मजा नहीं आएगा क्योंकि फाइनल होने के बाद ही लुक आता है। और यहाँ पर ये रही बाइक, इसमें काम चल रहा है, पीपी फिलेमिनेशन वगैरह चल रही है। मैं आसपास का वातावरण दिखा देता हूँ, यहाँ पर आसपास का माहौल दिखा देता हूँ कि हमारी जो दुकान है वो किसके आसपास है और कैसा लुक है। और फिर आपको दिखाऊंगा एक्सेसरीज और फिर दिखाऊंगा फाइनल बाइक। है अपनी शॉप का बोर्ड इंडिया मोटर के साथ में, श्रीराम मोटर के साथ में भी देख सकते हो। बीच में हमारी शॉप है, ये रहा चौक इस तरीके से, ये हरदयान सिंह रोड है। और यहाँ चौक पे कचौड़ी वाले बहुत फेमस है, जो कि जो छतरियाँ वगैरह देख रहे हो ना आप इस जगह पे, तो ये कचौड़ी की दुकान है। और यहाँ पर श्रीराम मोटर आ गया, ये आ गया इंडिया मोटर, बीच में आपका एसकेडी बाइक वर्ल्ड आ गया है। और यहाँ पर जो बाइक है रॉयल इनफील्ड मेटियोर फायरबॉल, और ये है गाइस मैट ग्रीन कलर, चेक करो। इसे पीपीएफ हो चुकी है मैट में, जो मैट वाले पार्ट है वो मैट किए जाएंगे, जो ग्लॉस वाले पार्ट है वो ग्लॉस में किए जाएंगे, और जो ग्लॉस में रहेगा वो रहेगा 3 लेयर लैमिनेशन इसका। थोड़ा सा मैं आपको उतार के दिखाता हूँ, ये देखो गाइस। और ये पूरी लेयर इसलिए उतारते हैं, अभी काम चल रहा है, बाई चांस कोई काम करते समय कोई भी स्क्रैच आ जाए तो फिर मज़ेदारी नहीं रहती, इसलिए फाइनल लेयर उतारेंगे बाद में। और मैट में कोई लेयर होती नहीं है, ये एक्चुअली हैवी वाली होती है, इसका मडगार्ड हो रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। पहले ये चेक करो, उसका क्रैश गार्ड आ गया जिससे आपका इंजन सेफ, लैग सेफ, तो पूरी जो है सेफ्टी वाला है। ये आ गया इसका बैकरेस्ट, ये बैकरेस्ट आ गया रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ में। और यहाँ पर फूटरेस्ट भी चेंज किए जा रहे हैं इसके, ये हैवी वाले फूटरेस्ट लग रहे हैं इसमें, जो कि आर के लोगों के साथ में मिलेंगे आपको। चारों तरफ के जो है चेंज किए जाएंगे, ठीक है, ये आगे के भी और पीछे के भी। इसके अलावा मास्टर सिलेंडर का बहुत सारी चीज़ें, तो शॉप के अंदर चलते हैं। ये रहा अपना शॉप कुछ इस तरीके का, और यहाँ पर काफ़ी सारे सामान इसका मैंने निकाल रखा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आप देखोगे तो इसके जो सस्पेंस है ना, ये खुले हैं तो मिट्टी वगैरह अंदर ना जाए, इसके लिए यहाँ पर शॉकर बूट, जिसे आप शॉकर रबड़ कह सकते हो आसान भाषा में, तो ये लगाने वाले हैं। ये है रिंग, ये इसलिए है रिंग क्योंकि इसमें लगाने वाले हैं हेडलाइट, और हेडलाइट जो है वो स्टेनलेस स्टील में मिल जाएगा और मैट ब्लैक मिल जाएगा, तो मैट ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगा। ये जीजी की आ गई है ओरिजिनल माइनस प्लस रिंग, तो ये लगाएंगे अपनी मिटियोर के लिए। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड वाले मिरर लगाएंगे इसमें, ये आ गया रॉयल एनफील्ड वाले मिरर, जिसमें आपको रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, और रॉयल एनफील्ड से तो 10 गुना सस्ते। इसके अलावा ये आ गई फॉग लैंप्स और हार्डनेस के साथ में, ये आ गई हार्डनेस, वो भी रिमोट कंट्रोल वाली। इस रिमोट को आप बाइक पर भी फिट कर सकते हो, अपने जेब में भी रख सकते हो, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये दिखाना हार्नेस वायरिंग का, तो पहले फॉग लैंप चेक कर लो, वाई वाली फॉग लैंप्स है, इसे मर्सिडीज़ वाली भी कहते हैं HGG की, जिसमें फोकस मिलेगा आपको येलो का एंड वाइट का। ये रही हायरनेस, अब हायरनेस का क्या सीन होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा रिमोट, इससे आप इसको ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो, फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हो, और ये आपकी पॉकेट में भी आ जाएगा, बाकी आपकी बाइक पे भी इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ रहती है। और बाइक पे किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैटरी पे, ना ही बैटरी फूकती है और ना ही किसी तरीके का इशू आता है, गारंटी वारंटी कोलैप्स नहीं होती है। ये चीज़ें हो गई, बाकी फॉग लैंप्स की काफ़ी सारी वैरायटी और मिल जाएगी, हैवी वाली फॉग लैंप भी मिल जाएगी। इसके अलावा हैंडगार्ड भी ऑप्शन में है, तो कुछ इस तरीके के हैंडगार्ड देखेंगे अलग अलग कलर के हिसाब से। ये आ गया वाइजर, तो ये वाइजर भी लगाएंगे, फ्रंट पे लगेगा। ये इसकी क्लैंप वगैरह आ गई, जैसे आपके फ़ोन का टेम्पर आता है वैसे ये मीटर का टेम्पर आ गया है, ताकि स्क्रैच ना लगे। फूटरस मैंने आपको दिखाए थे, तो ये फूटरस इस तरीके के आ गए, इसमें ब्लैक मिल जाएंगे प्रॉपर। ये आ गई मास्टर सिलेंडर कैप फ्रंट वाली, इसमें लाइट वाली भी मिल जाएगी हमारे पास, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये लगा रहा हूँ मैं, ब्लिंकर की तरह यूज़ करेंगे इसको, बैक साइड में लगाएंगे, इसका फोकस आपको दिखाएंगे तो मज़े आ जाएगा भाई। और यहाँ पर आ गई हार्ले वाली हैंड ग्रिप, जो बहुत ही कंफर्टेबल है, चेक करो यार क्या तो चीज़ है इसमें। अपने पास स्टेनलेस स्टील में मिल जाएगी, जिन लोगों को क्रोम में चाहिए तो क्रोम वाली भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको पाम रेस्ट मिल जाता है इस तरीके का, अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो आपका जो है किसी तरीके का इशू ना आए। ये आएगा इस क्रोम में, ये क्रोम में चेक करो क्या तो चीज़ है यार। ये आ गई फॉग लैंप की क्लैंप, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ताकि किसी भी तरीके का इशू ना आए, लूजिंग ना हो कहीं से भी। ये बैक मास्टर सिलेंडर कैप आ चुकी है, ये फ्रंट मास्टर सिलेंडर कैप आ गई, ये आ गई रेयर वाली मास्टर सिलेंडर कैप, इसमें एक लाइट वाली आती है,
वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये आपका वाइजर आ चुका है, मैंने आपको दिखाया था। तो वाइजर के साथ साथ में गाइस इसकी क्लैंप भी चेक कर लो, तो पूरी फिटिंग वगैरह सब कुछ साथ में आती है इसके। तो ये सब चीज़ें हो गई। और अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइट वाली। तो ये लाइट वाली है, और हो सका तो लाइट वाली ही लगा देंगे, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छी चीज़ है यार ये भी। तो ये भी मास्टर सिलेंडर कैप है गाइस। ये है इसका वाइजर बैकरेस्ट एक्सटेंडर। जिन लोगों को बैकरेस्ट आगे पीछे करना है तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो आप। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है यार। ये आ गया आपका सेंटर लॉक सेफ्टी फीचर, और इसमें ब्लास्टर, सायरन, दो चाबियां, इससे आप इसको लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। पार्किंग में बाइक लगा रखी है तो पता कर सकते हो, और ये वाला बटन दबाकर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ये आ गया फोर्थ स्लाइडर सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए। इसमें काफ़ी सारे कलर और मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ देख सकते हो। बाकी ये ब्लैक कलर के हैं। सिमटेक का हज़ार्ड जिसमें आपको मिलती है एक साल की गारंटी रहती है इसमें, और इसमें 22 पैटर्न मिलते हैं। पर एक साल से अंदर कभी भी ख़राब होता तो आप नया ले जा सकते हो, उसमें कार्ड वगैरह भर के दिया जाएगा। ये जूते ख़राब हो जाते हैं इस तरीके से, लोगों मेरे जूते काले पड़ चुके हैं, धोने के बाद भी ऐसे रहते हैं, क्योंकि ये ना ये नहीं लगा रखा था मैंने। इसे कहते हैं गेयर शॉक्स। लो जी, अब जो है यहाँ पर आ गए हैं सिमटेक के बल्ब, जिसमें आपको मिलती है 3 साल की जो है गारंटी रहती है, और सीधे चेंज हो जाते हैं, और इसके अंदर भी काफ़ी सारे बल्ब और हैं। ये रहा, इसमें कार्ड वगैरह सब कुछ भर के दिया जाता है। ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जो इसमें ऐड करनी है इस बार, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा सामान इसमें ऐड कर लें, क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन चालू ही है, फिर आपको दिखाएंगे फाइनल रिजल्ट। काम कैसा लगा? हमारे जैसे बोले थे वैसे करा है, उससे ज्यादा ही किया है। और कुछ कहना चाहते हो आप? उससे ज्यादा ही किया। खुश हो आप? अब आप भी खुश हो जाओ ये वीडियो देख के आगे की, क्योंकि अभी तो हमने डायरेक्ट कस्टमर से मिलवा दिया आपको, और अब आपको दिखा देते हैं फाइनल बाइक का रिजल्ट कैसा है आपकी मीटियोर 350 का। तो गाइस यहाँ फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हो आप रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का। सबसे पहले फ्रंट में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो थार लाइट जो लगाई थी माइनस प्लस रिंग वाली, इसका आप कॉन्सेप्ट देख लो एक बार कैसा लग रहा है यार। वैसे तो अभी इसका सिर्फ रिंग दिखेगा आपको, लेकिन ये चेक करो आप, इसमें येलो एंड वाइट का फोकस रहता है। इसके अलावा लो बीम और हाई बीम रहेगा इसमें, काफ़ी बेस्ट रहता है यार ये चीज़ भी, और इसका फोकस भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी पता नहीं चलेगा, इतना विजिबल नहीं होगा, लेकिन आप लुक देख लो कितनी क्लियर आ रही है इसकी। इसके अलावा यहाँ पर वाइजर हो गया विद क्लैंप, जो बहुत ही हैवी वाला लगा रखा है विद क्लैंप प्रॉपर फिटिंग के साथ। साथ ही में LED बल्ब चेंज किए थे हमने, इसका आपको इंडिकेटर का फोकस दिखाए थे। ये लो जी, इस साइड का भी देख लो एक बार, और बैक साइड में दिखाता हूँ आपको। और इसके पैटर्न को चेंज करने के लिए आपने इंडिकेटर वाले स्विच को दाएं बाएं बीच में दबाना है, लेफ्ट राइट बीच में प्रेस, तो पैटर्न जो इसके चेंज हो जाएंगे। इसमें मिलते हैं 22 पैटर्न आपको। तो अभी इसमें एक पैटर्न एक्टिवेट हो चुका है जो कि दिन में भी देख सकते हो आप। और यहाँ पर क्रैश गार्ड का भी लुक देख लो आप। इसमें क्रैश गार्ड लगाने के बाद आपका इंजन हो गया आपका जो है यहाँ पर ऑल अबाउट, टैंक वगैरह सब कुछ सेफ रहते हैं। और इसमें स्लाइडर मिल जाता है, इसको आप लॉन्ग राइड के समय में कुछ इस तरीके से पैर रख सकते हो, अगर थक चुके हो यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो। तो इस चीज़ें रहती हैं यार, काफ़ी यूज़फुल है। और इसको लगाने के बाद भी लुक देख लो कैसा आ रहा है, ना ज़्यादा ओवर और बहुत ज़्यादा लुक इन्हेंस हो रहा है इसका। इसके अलावा जो फुटरेस्ट लगाए थे वो प्रॉपर वाले हैं, ये देख सकते हो आप। एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, और गाइस एक एक साइड जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा हैवी, और एक रॉयल इनफील्ड का टच जो इसमें आ रहा है वो अलग लेवल पर है। PPF लेमिनेशन इसमें हो चुकी है 3 लेयर वाली, और जो मैट में किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल ग्लॉस वाले पार्ट का उतार देता हूँ, ये देख सकते हो ये मैट में आ गया। इसके अलावा जो फॉगलाइट लगाई थी वाई वाली, उसका फोकस दिखाता हूँ विद क्लैंप। ये क्लैंप लग चुकी है, ये वाई वाली फॉगलैंप लग चुकी है। ये है इसका स्विच, ये निकल भी सकता है और हट भी सकता है। तो एक बार हमने जैसे ही बटन दबाया इसमें ब्लिंकिंग शुरू हो चुकी है, ये देख सकते हो इसमें अलग तरीके की ब्लिंक हो रही है। तो इसी तरीके से पैटर्न काफ़ी सारे हैं। बाकी जो पीछे वाला बटन है ये स्टेबल है, इसमें येलो और वाइट ही चलेगा, और इस वाले से फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी, जो कि इसमें निशान भी बना हुआ है फ्लैशिंग का। जो ये बटन है ये कुछ इस तरीके से छोटा सा, ये देख सकते हो काफ़ी बेस्ट है। और इसमें लगी हुई है हार्नेस वायरिंग। अब हार्नेस वायरिंग का सीन ही होता है, इसकी अपनी एक वायरिंग होती है जिससे आपकी बाइक की वायरिंग का कोई कनेक्शन नहीं होता है, और जो है किसी तरीके की ना वारंटी वगैरह कोलैप्स नहीं होती है। रबड़ लग चुकी है, जिसे हम शॉकर बूट कहते हैं, जो अंदर मिट्टी वगैरह आती है ना वो नहीं जाती, तो इस तरीके से आ चुकी है। फोर प्रोटेक्शन लग गए हैं यहाँ पर, फोर स्लाइडर चेक कर सकते हो आप, लग चुके हैं। फोर स्लाइडर ब्लैक कलर के लगाए हैं सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि किसी तरीके का इशू ना आए बाइक गिरने पर, सस्पेंशन वगैरह डैमेज ना हो। छोटी छोटी चीज़ें भी लगा रखी हैं, गियर शॉक्स लगा रखे हैं, इसके अलावा मिरर लगा रखे हैं आरी वाले। और वहीं साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हैंड ग्रिप लगी हुई है हार्ले वाली, जो बहुत ही हैवी है, यहाँ भी चेक कर सकते हो आप। बैकरेस्ट एक्सटेंडर, जिन लोगों को लगता है बैकरेस्ट बहुत ज़्यादा आगे हो रहा है, तो यहाँ से पीछे कर सकते हो आप। ये देखो ये पूरी
प्लेट लगा रखी है जिससे आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर इंडिकेटर लगा रखे हैं। ये इसका ब्रेक लगाना है एक बार, तो ब्रेक पे कर रखे, छोटे छोटे लेकिन काफ़ी यूजफुल है। बैकरेस्ट हो गया आपका प्रॉपर वाला रॉयल एनफील्ड का। इस बैकरेस्ट के नीचे आपने मैंने दिखाया आपको इंडिकेटर, और वहीं यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है आपके फुटरेस्ट का। मास्टर सिलेंडर कैप यहाँ पर लग चुकी है और फ्रंट वाली यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको दिखाता हूँ साइड स्टैंड एक्सटेंडर, जो कि मेटियोर की ब्रांडिंग के साथ। तो ये सब चीज़ें हो गई गाइस, तो ये हो गई ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन। एक यहाँ पर मोबाइल होल्डर देख सकते हो आप प्रॉपर वाला, जिनको लगता है भाई फ़ोन लगाए तो निकले ना, तो वो उसके लिए आ गया यहाँ पर सिमटेक वाला। और यहाँ पर आ गया आपका मीटर टेम्पर्ड। तो ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट आप लोगों की मेटियोर 350 की गाइस। साथ ही में इसमें लगा रखा है सेंटर लॉक, जिससे आप इसको लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। पार्किंग में कहीं बाइक लगा रखी है तो ये बटन दबा सकते हो, ठीक है। और वहीं अगर आप ये वाला बटन दबाते हो तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ये लो जी, तो ये आ गया सेंटर लॉकिंग का यूज़।